लोकतंत्र के महापर्व यानी लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में गौतम बुद्ध नगर में जनता ने मतदान के जरिए अपना फैसला ईवीएम में दर्ज करा दिया। इस दौरान यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के सीएमडी डॉक्टर पीएन अरोड़ा मतदान केंद्र पहुंचे और मतदान करके उन्होंने लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया और लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील भी की। यशोदा हॉस्पिटल के सीएमडी डॉक्टर अरोड़ा जी, उनसे बात करते हैं, उन्होंने भी वोटिंग किया है। जी सर, आपने वोट किया है और यहाँ का जो जो अक्सर रहता है कम रहता है, थोड़ा सा इस बार प्रशासन ने भी काफ़ी अलर्ट रहा, प्रशासन ने काफ़ी कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा मत डाला जाए, तो आपको क्या कहना है? देखिए, शाम होते होते मतदान का प्रतिशत बढ़ जाएगा और अभी भी आप देखिए चारों तरफ भीड़ है और लोग निकल रहे हैं, मौसम भी अच्छा है और मतदान की मात्रा जो है बढ़ेगी। आपने भी जो मत दिया, यहाँ पर महिलाएं की संख्या भी काफ़ी है देखी जा रही है, लेकिन पुरुष की संख्या कुछ कम दिखाई दे रही है, क्या सोचते हैं? देखिए, महिलाएं जल्दी निकलती हैं, जल्दी उठती हैं, पुरुष अभी धीरे धीरे उठ के नाश्ता करके धीरे धीरे आ रहे हैं। हालांकि हमने अपील की थी कि पहले मतदान फिर जलपान, लेकिन हमारे जो पुरुष भाई हैं वो थोड़ा सा धीरे धीरे निकल के आ रहे हैं। आपने भी मुहिम चलाई हॉस्पिटल की तरफ से और डॉक्टर्स ने काफ़ी सहयोग दिया इसमें, इस मुहिम में प्रशासन का, उसका असर उम्मीद है पूरी? ये 60% जाएगा गाजियाबाद के अंदर मतदान, मेरा पूरी उम्मीद है और लोगों ने विश्वास दिलाया है, अभी लोग निकल के आ रहे हैं और मतदान अधिक से अधिक मात्रा में होगा। देखा गया कि आप भी इस बार काफ़ी एक्टिव हैं इसको लेकर के, इस चीज़ को लेकर मतदान के लिए। मैं पिछले बहुत सालों से अपील करता हूं और करता रहूंगा, हमें अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अधिक से अधिक मात्रा में मतदान करना चाहिए। जैसे कि मुद्दों की बात करें, अगर हम यहाँ पे हेल्थ के बारे में, तो गाजियाबाद में कितना गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट में दोनों तरफ बीजेपी है, स्टेट में भी और सेंट्रल में, कैसा मानते हैं? देखिए, पहले गाजियाबाद में एक सरकारी अस्पताल था, अब दो सरकारी अस्पताल हैं और बहुत अच्छा चल रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे वहाँ पर मरीजों की गिनती दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये थे डॉक्टर पी एन अरोड़ा जो यशोदा हॉस्पिटल के सीएमडी हैं, और उन्होंने कहा है कि शाम तक जो मतदान है उसका प्रतिशत बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है, लोगों को अलर्ट किया गया है, लोगों को कहा गया है। नोएडा से जुड़ी हर खबर के लिए फॉलो करें हमारा चैनल आज का नोएडा।